हेलो बच्चों, मैं नेहा। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। बच्चों, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन काफी बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगता है। आज मैं लेकर आई हूँ एक ऐसी छोटी सी ट्रिक जो कि आपको 5 से मल्टीप्लाई करना किसी भी नंबर को बहुत इजीली सिखाने वाली है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं मल्टीप्लिकेशन। बाय 5 खासतौर पर क्या होता है कि जब हम स्टैटिस्टिक्स जैसे चैप्टर करते हैं तो उसमें बहुत बड़े बड़े नंबर्स होते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। उसमें बच्चा बहुत ज्यादा मतलब वो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाता है। तो ये जो वीडियो है, ये जो ट्रिक है, आपको बताएगी कि अगर आपको किसी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करना है तो वो आप इजिली कैसे कर सकते हैं। अब नंबर हमारे पास होते हैं दो तरह के, है ना। पहली तरह के नंबर होते हैं इवन नंबर और दूसरी तरह के नंबर होते हैं ऑड नंबर, है ना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इवन नंबर्स की। तो मान लीजिए आपको किसी एक इवन नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करना है, जैसे कि मैंने लिया 6। ठीक है, मैं 1 डिजिट से शुरू करते हुए आपको 3 डिजिट तक नंबर की काउंट जो मल्टीप्लीकेशन है वो 5 से बताऊंगी। मैंने लिया 6, आपको इसे मल्टीप्लाई करना है 5 से। ठीक है, तो 6 का हाफ कितना, 3, और उसके आगे लगा दीजिए। ठीक है, क्लियर। अब मैं लूंगी 2 डिजिट नंबर, जैसे कि मैंने लिया 24। 24 का हाफ 12, और उसके आगे लगा दीजिए 0। हो गया कितना इजी। अब मैं लूंगी एक 3 डिजिट नंबर, अगर आपको इसको देखना है वेरीफाई करके तो देखिए, इजी। ठीक है, अब मैं आपको लेकर दिखाऊंगी 3 डिजिट नंबर 482। इसका हाफ, 4 का हाफ 2, 8 का 4, 2 का 1, और उसके आगे लगा दीजिए। इसे वेरीफाई करके देखेंगे, इजी एकदम, है ना। बिल्कुल कमाल की ट्रिक है, आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, सिर्फ आपको हाफ पता होना चाहिए किस नंबर का कितना है। ठीक है, एक बार फिर से बताऊंगी, 1 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर और 3 डिजिट नंबर को यूज करते हुए। मैंने 1 डिजिट इवन नंबर लिया 6, 6 का हाफ 3, और उसके आगे लगा दिया 0। 24 का हाफ 12, उसके आगे लगा दिया 0। 482 का हाफ 241, और उसके आगे लगा दिया 0। ये थी इवन नंबर्स के लिए ट्रिक, और अब हम करेंगे ऑड नंबर्स के लिए ट्रिक। अब हम बात करेंगे ऑड नंबर्स की। ठीक है, शुरू करेंगे हम 1 डिजिट नंबर से। ध्यान से देखिएगा, मैंने 1 डिजिट नंबर लिया 3। 3 का हाफ 1.5। अब जब आप करेंगे ऑड नंबर से 5 की मल्टीप्लिकेशन तो जो पॉइंट आएगा वो आपको नहीं लगाना है, सिर्फ इतना काम करना है। हमने इवन डिजिट्स में आगे 0 ऐड किया था, यहां पर हमें जो दशमलव आएगा, डेसिमल आएगा, पॉइंट आएगा, उसको अवॉइड करना है। जैसे देखिए 7.5, 7 का हाफ 3.5, माने इजी। अभी देखिए 42 का हाफ 21, तो 43 का हाफ 21.5, जस्ट अवॉइड द डेसिमल। ठीक है, आपको सिर्फ डेसिमल को अवॉइड करना है। मैं लूज लेती हूं 347,
इसका हाफ कीजिए, अगर हाफ नहीं हो पाता तो आप डिवाइड कर सकते हैं, मैं हाफ लेकर दिखाती हूँ। टू की टेबल से इसको डिवाइड करना है, टू वन जब टू, वन रिमेनिंग, सेवन जब 14, पूरा कट गया, बचा सेवन, टू थ्री जा सिक्स, ठीक है। 0.5 लग जाएगा क्योंकि यहां पर तो खत्म हो गया, वो पॉइंट को अवॉइड करना है और दैट विल बी योर आंसर। वेरीफाई करके दिखाऊंगी, 5 3 15 21 करेक्ट, 347 × 5, 5 7 35, 5 4 20 23, 5 3 15 17, है ना कितनी आसान ट्रिक एकदम। मतलब अगर आपको 5 से मल्टीप्लाई करना है तो बिल्कुल आसान ट्रिक है, स्टैटिस्टिक्स के सम्स में सबसे ज्यादा काम आती है ना। तो अगर आपको ये मेथड अच्छा लगा हो, ट्रिक अच्छी लगी हो, तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। बाय बाय।